नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम बात करने वाले हैं नेपाल के नेट जीरो इन एनर्जी नेपाल। इस प्लान को लेकर नेपाल काफी ज्यादा उत्सुक दिखाई दे रहा है और उसने अपना पहला कदम इस प्लान के अंदर रख भी दिया है। ये प्लान इतना बड़ा है दोस्तों कि ये एक साल में कंप्लीट होने वाला नहीं है, दो साल में कंप्लीट होने वाला नहीं है, बहुत समय लगेगा इसमें। लेकिन आज से ही इसकी शुरुआत कर दी गई है, ये सबसे बड़ी बात है। और ये जो यहाँ पे प्लानिंग की जा रही है नेपाल के द्वारा, ये यहाँ पे आने वाले समय की एनर्जी क्राइसिस के लिए की जा रही है, जो कि पहले से अच्छा कदम उठाया गया हो किसी देश का तो वो आगे जाकर दुखी नहीं होता और उसकी जो इकोनॉमी है, उसकी जो अर्थव्यवस्था है, उसकी सारी चीजें सेटल रहती हैं। कुछ इन्हीं सभी यहाँ पे मुद्दों पर चर्चा हुई थी पिछले दिनों और उन्हीं को लेकर यहाँ पे नेपाल ने ये कदम उठाया है। अब ये कदम कितना बेटर साबित होगा ये भी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम उन लोगों को भी बताने वाले हैं जो कि कल तक ऐसे बिना मतलब बातें कर रहे थे, कल तक ऐसे कह रहे थे श्रीलंका जैसे हालात होने वाले हैं नेपाल के, उन सभी को भी हम बताने वाले हैं आज इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको कुल अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूंगा दोस्तों आज से लगभग 10 दिनों तक यहां पे चली रिपोर्ट्स के बारे में। जैसे ही श्रीलंका के अंदर क्राइसिस हुआ उसी प्रकार से नेपाल के बड़े बड़े नेता लोग, हम यहां पे नाम नहीं लेंगे किसी का, लेकिन बड़े बड़े नेता लोग ये कहने लगे कि टोटली उस तरह के हालात बनने वाले हैं जैसा कि श्रीलंका में हुए थे। लेकिन उसके बाद में स्टेटमेंट आया कि जो नेपाल की क्राइसिस है वो बिल्कुल नहीं है और चिंताजनक इकोनॉमी है ही नहीं, इसके साथ साथ कुछ एक हमें एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, ये भी उन्होंने कहा था। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ये जो नेट जीरो एनर्जी है ये अप्लाई होगी यहाँ पे कि जो नेपाल इम्पोर्ट करता है जहाँ पे हम कह सकते हैं पेट्रोलियम का, उसके अंदर ये ऐसे समझ सकते हैं कि उसमें जीरो करने वाले हैं, यानी कि पेट्रोलियम का इंपोर्ट एकदम घटाने वाले हैं। अब मैं आपको बता दूं एक पिछली रिपोर्ट के मुताबिक कि नेपाल ने पिछले वित्त वर्ष में पेट्रोलियम आयात पर लगभग 270 अरब रुपए निवेश किए थे। पिछले 6 महीनों की अगर बात करें दोस्तों तो 180 अरब रुपए खर्च किए थे और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों की वृद्धि के साथ यह राशि आगे आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ सकती है। यानी कि पेट्रोलियम उत्पादन नेपाल के कुल आयात का 13% हिस्सा बनते जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी रिपोर्ट नहीं है। और हमने ये भी देखा था कि पिछली रिपोर्ट के अंदर नेपाल की जो बैंक है उन्होंने कहा था कि हम पेट्रोलियम को आधा करेंगे। आधा करने का मतलब कि हम अब जितना खरीदते हैं उससे आधा खरीदेंगे, तो जिसके कारण दिक्कतें भी आ रही थी। लेकिन अगर बात करें दोस्तों, अब ये जो पॉलिसी लाई जा रही है वो कहीं ना कहीं इसको लाभ पहुंचाएगी। इस पॉलिसी का जिक्र करने से पहले थोड़ा सा पेट्रोलियम की और चर्चा कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि फिलिंग स्टेशनों पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पिछले 6 महीने में 4 बार बढ़ोतरी हुई है और पेट्रोल की कीमत अब यहाँ पे 160 रुपए प्रति लीटर पिछले साल की तुलना में लगभग दोगुनी हो चुकी है। वास्तव में सरकार पेट्रोलियम उद्योगों को 20% तक कम करने के लिए 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की घोषणा भी कर चुकी है, यानी कि बिल्कुल भी हम पेट्रोल नहीं लेना चाहते, लेकिन अचानक से कोई भी कदम नहीं उठाना है हमें। ये भी नेपाल की सरकार अच्छे से जानती है, क्योंकि जो अचानक से उठाए गए कदम थे श्रीलंका के अंदर वो आज देख सकते हैं आप कितने से बेहतर होते हुए जा रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि दोस्तों यहां पे बैटरी से चलने वाली जो बसेज होती हैं वो लॉन्च की गई है नेपाल के अंदर और उसका परीक्षण है वो काठमांडू में शुरू हो जाएगा अगले हफ्ते तक। और बताया जा रहा है दोस्तों कि 2045 है उस तक यहां पे नेपाल को टोटली नेट जीरो एनर्जी बना दिया जाएगा, जो कि एक सबसे बड़ी यहां पे बात है। दूसरी बड़ी बात यहां पे ये भी है कि नेपाल अभी यहां पे जो पिछला वर्ष है उसके अंदर 2000 इलेक्ट्रिक व्हीकल आयात किए थे और जिसमें से 800 का आयात सिर्फ इसी साल चीन से रासुआ सीमा के माध्यम से किया गया है। अगर निजी इलेक्ट्रॉनिक वाहन का बात करें तो स्विच करना, पेट्रोलियम खत्म करना, ये सारी बातें यहां पे जहन में आती हैं। अब मैं आपको दोस्तों इससे भी बड़ी एक और प्रॉफिट की बात बताना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा नेपाल के बारे में कि नेपाल चाहता है जल्द से जल्द बसों की जो भी पेट्रोलियम बसें होती हैं उन्हें कम कर 20% लगभग इलेक्ट्रिक बसें यूज की जाए और जो निजी कारें होती हैं, कार्स होती हैं, गाड़ियां होती हैं घरों में, उसमें
25% तक यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो कार है वो यूज की जाए। लेकिन इसके अंदर भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि ये चीजें नेपाल के अंदर नहीं मैन्युफैक्चर हो रही, यानी कि अगर बात करें इन सभी को लाने की तो वो विदेशों से लानी पड़ रही है, और इसके साथ साथ इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो काफी ज्यादा महंगी भी है। इसलिए ये अगर देखा जाए तो महंगी बहुत ज्यादा, यानी कि पेट्रोलियम गाड़ियों से लगभग 5 गुना तक ज्यादा महंगी मिलने वाली है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें उसके बाद खरीदने के बाद की इन्वेस्टमेंट की, तो इसका बिल्कुल भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है। मात्र यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं आपकी 1 रुपए से भी कम में ये 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जो कि सबसे बड़ी यहाँ पे फायदे की बात है। यानी कि अगर बात करें दोस्तों तो इसके ऊपर के खर्चे की, या फिर हम कहें कि सर्विस के खर्चे की, तो वो एकदम ऐसे कहते हैं शून्य के बराबर है, यानी कि बहुत कम खर्चा है, जिसके कारण यहाँ पे ये इतनी ज्यादा महंगी नहीं दिखाई दे रही। और नेपाल का ये मानना है कि 2045 तक वो कंप्लीटली इस चीज को इलेक्ट्रिक सिटी के जरिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक कर देंगे और नेट जीरो एनर्जी को यहाँ पे सत्यापित करके दिखाएंगे। दोस्तों इस प्रोजेक्ट को लाने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, क्योंकि नेपाल ने पिछले सालों के अंदर ही बिजली जो बनाने, जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन है वो काफी ज्यादा हद तक बढ़ाया है, और इसका यूज करना भी नेपाल चाहता है। एक्सपोर्ट से पहले आप ये सोचिए कि आपके देश में अगर आप ऊर्जा का यूज कर रहे हैं तो इससे कितना फायदा हो रहा है, वो कि नेपाल भली भांति सोच रहा है। अब दोस्तों यहां पे आपकी क्या राय इसके बारे में, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। क्या ये चीजें प्रॉफिटेबल हैं, क्या ये चीजें प्रॉफिटेबल नहीं है, ये सारी बातें आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने आ जाऊंगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।